सो भाई ये 2020 का सबसे डिमांडेड लैपटॉप एसर नाइट्रो 5 राइजन 5 5600H विद 1650, उसकी वीडियो लेके हम आपके सामने आ चुके हैं। बट ये वीडियो सबसे बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि इसमें कोई हम एक दिन या दो दिन यूज करके आपको लैपटॉप रिव्यू नहीं दे रहे, एक ऐसे कस्टमर का रिव्यू दे रहे हैं जो ऑलमोस्ट एक महीने से यूज कर रहा है इस लैपटॉप को, विच मीन्स कि आपको रियल यूजर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वेल, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मैं गिरीश भाई को थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने टाइम निकाला इस वीडियो के लिए, एंड आप सभी लोगों की हेल्प करने के लिए वो बंदा रेडी हुआ। एंड थैंक यू सबसे बड़ा इसीलिए जस्ट बिकॉज ये वीडियो हमने 3-4 बार रिकॉर्ड करी फिर जाके बनी, बिकॉज हर बार ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा था। अभी भी ऑडियो में हल्का सा इको है गिरीश की आवाज़ में, तो मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग में कम करने की, बट प्लीज़ उस चीज़ के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बट वीडियो एक नंबर होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलेगा एसर नाइट्रो 5 2021 का रियल यूज़र एक्सपीरियंस। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं, एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए एक्चुअली बहुत एफर्ट बहुत मेहनत लगती है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड हमें सपोर्ट दिखाने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, हमें डिस्कॉर्ड सर्वर पर ज्वाइन कीजिए, हमें टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए फॉर बेस्ट डील्स एंड ऑफर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गिरीश यार, सबसे पहले तो यार बहुत बहुत स्वागत। मतलब आप जैसे बंदे ही होते हैं या जो मतलब इन वीडियोस में आते हैं, बाकी सभी लोगों की हेल्प करते हैं। एंड इस पर्टिकुलर लैपटॉप की वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग इसलिए है बिकॉज लोग इसको बाय करना चाहते हैं, अच्छी कॉन्फिगरेशन है। तो सबसे पहले ना स्टार्ट करते हैं कि आपने कौन सा वेरियंट बाय करा, कितने में बाय करा एंड कहाँ से बाय करा। अच्छा, तो मैंने एसर का नाइट्रो 5000 सीरीज का बाय किया मैंने, और एसर की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने बाय किया, और वो मुझे तकरीबन पड़ा 74000 का। 74000 का। अब जैसे आपने मुझे बताया कि आपने एसर की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करा, राइट? बड़े सारे लोग ना मतलब आज भी डाउट करते हैं कि एसर की वेबसाइट से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एंड फ्लिपकार्ट अमेजोन का वेट करते हैं, तो आप उनको क्या बोलोगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एसर की वेबसाइट से बाय करने का? कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा। तो पहले तो मैंने आपको डीएम किया कि मैं बाय कर सकता हूँ, यानी आप बोले कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने एसर की कॉल सेंटर को कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है, आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो, सब मुझे तकरीबन 15 मिनट तक उन्होंने एक्सप्लेन किया। मतलब उनकी सर्विस भी अच्छी है, और कोई बात नहीं, मुझे लैपटॉप भी बढ़िया डिलीवर हुआ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया ट्रस्टेड वेबसाइट है। अच्छा, मतलब आपको डिलीवरी से भी कोई चैलेंज नहीं, एंड इनफैक्ट जो आपके डाउट्स है वो सपोर्ट ने काफी अच्छे से हैंडल भी किए, है ना? एकदम बढ़िया, मेरे डाउट हैंडल किया उन्होंने, ठीक है। एंड ऐसे भी यार इतनी बड़ी कंपनी अपनी वेबसाइट के साथ गलत तो कर नहीं सकती, या अपने कस्टमर्स के साथ कभी गलत कर नहीं सकती, है ना? अब ना सीधा जंप करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन पे। अब सबको पता है कि प्लास्टिक बिल्ड लैपटॉप है, एंड 2020 में काफी ड्यूरेबल डिजाइन था, मतलब ऑल्दो प्लास्टिक था बट लोग खुश थे डिजाइन से। 2021 में आपका एक्सपीरियंस कैसा है डिजाइन के साथ? डिजाइन से मैं अभी बहुत खुश हूँ, थोड़ा सा कीबोर्ड में थोड़ा सा नॉमिनल फ्लेक्स मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा दबाने से मिलता है, वो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फिंगरप्रिंट मैग्नेट्स तो है ही है इस लैपटॉप में भी, और जो लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो 45 डिग्री पे आई, तो मतलब वो अपने आप धीरे धीरे नीचे जाती है, वो एक थोड़ा सा इशू है या कोई है मुझे पता नहीं, लेकिन वो नीचे जाती है धीरे धीरे। बाकी स्क्रीन में थोड़ा सा दबाव तो थोड़ा सा फ्लेक्स मिलता है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में मैं खुश हूँ, इससे बढ़िया मैंने कोई लैपटॉप नहीं देखा इस प्राइस रेंज में। बट फिर भी अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो बिल्ड एंड डिजाइन इसका काफी सही है, है ना? अगर मैं इसके मतलब पिछले आउटवेंट्स को छोड़ दूं तो बाकी लैपटॉप इतना गेमिंग भी नहीं लगता है ना, मिनिमलिस्टिक से लुक्स नहीं, नहीं, नहीं। प्रोफेशनल लुक, सामने से प्रोफेशनल लुक लगता है, पीछे से जो वेंट है वो थोड़े से गेमिंग है, लेकिन मुझे हाइब्रिड लैपटॉप चाहिए था, ज्यादा गेमिंग भी नहीं दिखना चाहिए, ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं दिखना चाहिए, मेरे लिए सूटेबल के बीच का डिजाइन चाहिए था जो आपको मिल गया। मिल गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। गिरीश यार, अब ना इसके बाद परफॉर्मेंस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि राइजन 5 5600H के आपने हमारे साथ बेंचमार्क्स तो शेयर कर दिए, थैंक यू फॉर दैट, आपने परफॉर्म किया अपने एंड पे, वो तो मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा ही। बट ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये बताओ कि आपको डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है, आप
कौन सा सॉफ्टवेयर, कोई हैवी सॉफ्टवेयर अगर यूज करते हो तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करो थोड़ा सा। मेरा डे टू डे लाइफ एकदम बढ़िया चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई लैपटॉप में, मतलब कोई सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा है ऐसा कोई। अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो इंजीनियरिंग के मेरे सॉफ्टवेयर मैटलैब है और प्रोटियस है, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये सब सही आराम से चल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती मुझे डे टू डे लाइफ में। बाकी गेमिंग करता हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, सब सही चल रहा है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि जितने भी अपने मतलब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अगर कोडिंग के लिए लैपटॉप कंसीडर कर रहे हैं, तो आपके जितने भी कोडिंग के मेजर सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जैसे कि विजुअल स्टूडियो हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया या इक्लिप्स हो गया, वो सारे आराम से चलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट आप मैटलैब जैसे सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हो एंड वहाँ पर भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि लैपटॉप की परफॉर्मेंस अच्छी है, राइट? बहुत अच्छे हो, ठीक है। एंड थोड़ा सा अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर गेमिंग कभी करी है उसका अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो। हाँ, मैंने गेमिंग करी है, अभी मैंने GTA 5 इंस्टॉल की है, तो फुल HD सेटिंग पे मैं खेलता हूँ, तो मुझे तकरीबन 80 से ज़्यादा FPS मिलते हैं। मैंने YouTube पे रिव्यूज भी देखे थे उसके, जो 8GB का लैपटॉप था ना, तो उसके FPS 80 के नीचे आते थे, और जो 16GB का लैपटॉप है उसके FPS 80 के ऊपर ही आते, मेरे तो 130 FPS तक भी गए हैं। तो मेरे ख्याल से रैम का वो फायदा है, ज़्यादा रैम लेने का, मतलब आप 1650 Ti वर्जन के साथ जा रहे हो ऐसा लगता है मुझे। और टेम्परेचर की बात करूँ तो मैक्सिमम अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तब भी मैक्सिमम टेम्परेचर मेरा 91 डिग्री तक चला गया है, उससे ज्यादा नहीं गया। मैंने सिनेबेंच भी ट्राई किया तो भी 90 तक गया, उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं गया। अच्छा, तो मतलब आप जनरली जो ये आपका 91 तक टेम्परेचर गया था उसमें आपके जो परफॉर्मेंस मोड में थे, ऑटो मोड में थे, किस मोड में खेला आपने? हाँ, मैंने ऑटो मोड में खेला। अच्छा, अभी ऑटो मोड में थे, आपने परफॉर्मेंस मोड अभी नहीं चलाया तो 91 नहीं चलाया। ऑटो मोड पे कूल बूस्ट ऑन करके मैंने गेम खेला और अपने बेंचमार्क भी ट्राई किया मैंने। ठीक है, मतलब अगर GTA 5 में आपको 80 से 130 के बीच में FPS मिल रहे हैं ना, तो कोई भी मेजर गेम आप उठा लो हाई से मीडियम सेटिंग में आपको आराम से 60 FPS देने की कैपेबिलिटी रखता है ये लैपटॉप, है ना? आराम से कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। और मतलब ये तो सबको मानना पड़ेगा कि अगर 1650 के साथ जाना है तो हाई एक्सपेक्टेशन गेम से आपको ऐसे नहीं रखनी, ठीक है? नहीं, कैजुअल गेमिंग, मेरा जो रिक्वायरमेंट था वो कैजुअल गेमिंग था, तो 1650 मेरे लिए बेटर था। अगर कई लोगों को गेमिंग का ज्यादा कीड़ा है तो वो राइजन 5 5600H के साथ 3060 वाला मॉडल ले सकते हैं 95,000 में जो मिलता है, 94,000 में, है ना? ठीक है यार, मतलब काफी अच्छे से डिटेल मिल गई मुझे। इसके बाद डिस्प्ले की अगर बात करें, मतलब आप जैसे किस तरह के यूजर हो, एंड डिस्प्ले में हम सबको पता है कि 45% NTSC है, फुल HD है, 300 nits का ब्राइटनेस है, तो आपका डे टू डे एक्सपीरियंस एक नॉर्मल यूजर के पर्सपेक्टिव से कैसा है? अच्छा, तो भी मेरा जो डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस है तो इंडोर में आउटस्टैंडिंग है, कोई बात नहीं, कोई चैलेंज नजर नहीं आता। और आउटडोर की जब बात करें, जब मैं कॉलेज में रहता हूँ, आउटडोर कुछ काम करता हूँ, तब भी मुझे कोई चैलेंज नजर नहीं आता, सब काम एकदम परफेक्टली हो जाते हैं, कोई चैलेंज नहीं आता मुझे, एकदम बढ़िया से स्क्रीन है इसकी, जैसे कि 300 nits का ब्राइटनेस है, तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आउटडोर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी स्क्रीन ब्लीडिंग के इश्यूज आपको दिखने को मिले, मतलब इसमें ज्यादा? नहीं, मैंने चेक किया जब मैंने लैपटॉप लिया ना, तो मैंने सब लाइट्स ऑफ करके स्क्रीन ब्लीडिंग सब चेक किया, तो मुझे नेकेड आई से तो कोई नजर नहीं आया, मतलब थोड़ा सा भी नजर नहीं आया। लोग ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा रहता है एसर के लैपटॉप में, लेकिन मुझे तो नजर नहीं आया अभी तक। मतलब हाँ, एसर की ना खास बात यही है कि ये इस बजट में भी आपको 300 nits देता है, जबकि कंपटीशन में कई लैपटॉप्स आपको 250 nits की ब्राइटनेस देते हैं, तो ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है कि ये कुछ मतलब अगर आप आउटडोर्स यूज करते हो ना, तो एज कम्पेयर टू अदर ये आपको अच्छी ब्राइटनेस लेवल प्रोवाइड करता है। बट आपके कलर एक्यूरेसी को लेके तो कोई चैलेंज होगा नहीं, बिकॉज जितना मुझे अभी तक पता चला आप एक नॉर्मल यूजर हो, है ना, कंटेंट क्रिएशन में। हाँ। तो वीडियो देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए आई गेस 45% NTSC काफी रहता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है?
काफी है। मैं अभी मैं नॉर्मल यूजर हूँ, ज्यादा कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हो। अभी अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो आपकी जो एक वीडियो वो देख के थोड़ा सा कलर एडजस्ट कर सकता है जो AMD Radeon का जो सॉफ्टवेयर है उससे। हाँ मतलब मैंने कुछ देर पहले अपने एक सब्सक्राइबर से मिलके एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप Radeon की डिस्प्ले की सेटिंग्स कर सकते हो सैचुरेशन ब्राइटनेस लेवल को कंट्रोल करके, एंड मतलब 45% NTSC डिस्प्ले आपकी काफ़ी अच्छी दिखने लगती है उसके बाद। उसके बाद यार बात करते हैं बैटरी लाइफ की, क्योंकि Acer Nitro 5 का एक मेन हाईलाइट हमेशा से बैटरी भी रहा है। 2019 वाला मॉडल मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप था। 2020 में मैंने रिव्यूज़ किए लोगों के साथ, काफ़ी अच्छा था। 2021 का मॉडल आप यूज़ कर रहे हो, तो आप हमें बताओ कि आपको एक्सपीरियंस कैसा मिला बैटरी से। तो अभी मेरी एक कल मीटिंग थी ऑनलाइन, सब वीडियो चालू थे जूम पे, मेरी जो मीटिंग थी तो मेरा लैपटॉप 100% चार्ज था। तो मेरी वो मीटिंग 2.5 घंटे तक चली और लैपटॉप तकरीबन 45% तक डिस्चार्ज हुआ, मतलब 45% डिस्चार्ज हुआ। तो हम पकड़ के चल सकते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग के लिए 5 घंटा आराम से मिल जाएगा, और मूवीज वगैरह देख के ऑफलाइन कंटेंट जो आप कंज्यूम करते हैं मूवीज वगैरह, तो 6-6.5 घंटे तो आराम से मिल जाएंगे आपको बैकअप, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगे। और गेमिंग तो मैंने अभी किए नहीं है, मैं प्लग इन करके गेमिंग करता हूँ, तो अभी गेमिंग का बैकअप मैं अभी नहीं बता सकता। ठीक है, मतलब गेमिंग तो वैसे भी प्लग इन करके ही करनी है, उसका एक्सपीरियंस हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि अनप्लग करना मतलब अपनी बैटरी के साथ खेलने वाली बात हो जाती है। बट जो मैं समझा हूँ कि 2021 में भी बैटरी जो है वो अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, राइट। अब ना थोड़ा कीबोर्ड के बारे में हमें बताओ, इसमें कीबोर्ड में 4-zone RGB है एंड फुल साइज कीबोर्ड है जिसमें न्यूमेरिक कीज भी मिलती है, बट आपका प्रेसिंग एक्सपीरियंस या की ट्रैवल कैसा आपको लगता है, फीडबैक कैसा है कीज का, कुछ दिक्कत तो नहीं आती कीबोर्ड और ट्रैक पैड में? नहीं नहीं, कीबोर्ड में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा फ्लेक्स है लेकिन वो बहुत ज़्यादा दबाने से है, मतलब हम टाइपिंग के वक्त तो इतना ज़्यादा कोई दबाता नहीं है। की ट्रैवल एकदम बढ़िया है, अच्छे से टाइपिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और जैसा कि ट्रैक पैड बोल रहे हैं एकदम सेंसिटिव है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई, बढ़िया काम कर रहा है अभी तक तो। हाँ, ट्रैक पैड कैसा है इसका, ट्रैक पैड का रिस्पांस कैसा है और उसके बटन जो क्लिकेबल कैसे हैं, मतलब सही लगा आपको? हाँ सही लगा, मतलब मैंने अभी मेरे पास माउस नहीं गेम खेलने के लिए, तो मैंने ट्रैक पैड से गेम खेला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे, मतलब खेलना नहीं चाहिए लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब की वगैरह अच्छे से चलती है और सेंसिटिव भी है ट्रैक पैड। भाई तुम तो फिर हैवी ड्राइवर हो अगर तुम ट्रैक पैड से गेम खेलते हो। हाँ वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, WSD के नीचे ट्रैक पैड आता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, गेमिंग के लिए माउस ही चाहिए। बट माउस लो गए आप ऑब्वियसली, हाँ अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, एंड WASD वाला एरिया ज्यादा गर्म तो नहीं होता? नहीं नहीं, मुझे ऐसा इशू अभी तक नजर नहीं आया, कोई गर्म वगैरह नहीं होता। ठीक है, एंड ये जो आप अभी वीडियो मेरे साथ कर रहे हो, ये इसी के वेबकैम से कर रहे हो ऐसे Nitro 5 के? हाँ यही Acer का Nitro 5 का वेबकैम है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका वेबकैम भी अच्छा है, राइट? अच्छा, अभी आपको क्वालिटी पता ही फिर। हाँ, मेरे को तो आप देख सकते हैं। बट Acer Nitro 5 का मतलब अगर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए देखा जाए ना तो सही है यार, मतलब आप अच्छे से सही है, सही है, बढ़िया। टी शर्ट का कलर दिख रहा है, व्हाइट कलर की टी शर्ट है, ब्राउन कलर की आपकी शर्ट है, तो पिंक कलर की चाहिए। हाँ अब और क्या चाहिए, इतना सब तो दिख रहा है तो मतलब अच्छा कैमरा है, मतलब तो गाइस इससे आपको मतलब इसकी कैमरा क्वालिटी का भी पता चल जाएगा, बिकॉज आज के टाइम पे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है वेबकैम कैसा है, किस कैसी क्वालिटी है आपकी, बिकॉज आपको पता है कि पता नहीं अभी कितने देर हमने ऑनलाइन ही करना है सारा काम। तो ठीक है, अब क्लोजिंग नोट की तरफ चलते हैं, बिकॉज आपने ओवरऑल हमें सारी चीज़ें बता दी, तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो मुझे तो लग रहा है कि यार बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है जिस प्राइस में आपको देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो 65-67,000 में आपको अभी भी राइजन 5 4600X मिल रहा है, तो अगर आप 70,000 खर्चते हो, 144Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, 5600X भी मिलता है, बट फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आपका एक बहुत जिगरी दोस्त जिसके साथ आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, वो आपके पास आता है और पूछता है कि गिरीश यार मेरे को लैपटॉप लेना है और मेरा बजट 70,000 से 75,000 है, तो क्या आप ये लैपटॉप उसको आंखें बंद करके सजेस्ट कर दोगे बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस?
हाँ सर, आंखें बंद करके मैं उसे सजेस्ट कर दूंगा कि ये लैपटॉप ले ले, इससे बढ़िया मुझे तो कोई और दूसरा लैपटॉप लग नहीं रहा है, दूसरा कोई लेने भी नहीं दूंगा मैं उसे, क्योंकि मुझे मुझे इस लैपटॉप ने पूरा सेटिस्फेक्शन दिया है, तो मैं और दूसरे लैपटॉप की तरह उसको जाने नहीं दूंगा नहीं। और मैं उसका यूज भी मेरी तरह ही रहेगा, तो कोई बात नहीं, यही लेके दूंगा मैं उसको। तो सोचने वाली बात है कि अगर गिरीश अपने सच्चे दोस्त के साथ ऐसा कर रहा है ना, तो बिल्कुल सही बोल रहा है वो। तो आप सारे इस बंदे के रिव्यू को कंसिडर कर सकते हो, एंड ओवरऑल ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा सही है। सो थैंक यू गिरीश यार फॉर योर टाइम, फॉर योर एफर्ट्स। सो दोस्तों, आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। एंड अगर कंक्लूजन में बात करूँ, वैसे तो मैंने ऑलरेडी कंक्लूजन दे दिया, हर एक एस्पेक्ट इस लैपटॉप का एज पर इट्स प्राइस बेस्ट इन द मार्केट है राइट नाउ। तो आंखें बंद करके इस लैपटॉप को आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने 2020 के भी एसर नाइट्रो 5 के मॉडल्स के रिव्यू करे थे, कस्टमर रिव्यू, वहाँ पे भी हमें पॉजिटिव फीडबैक आया था। सेम इज़ द केस विद 2021। सो मेक श्योर यू यूज़ आर लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप बाय करना चाहते हो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में दोस्तों, एक अच्छे कॉन्टेंट के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सब अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि घर से कम बाहर निकलना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है उसी को लेने के लिए बाहर निकलना है। प्लीज़ ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।